हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा बहुत ज़्यादा दिन के बाद प्रॉपर व्लॉग हो रहा है और यहाँ पे मैं हॉस्पिटल जा रही थी क्योंकि मुझे ना थोड़ा बहुत लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। एंड यहाँ पे मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, ये चार लोग जा रहे थे एंड उधर से मेरी मम्मा लोग आ रही थी हॉस्पिटल। सो यहाँ पे मैं गई और यहाँ पे जो नर्स रहती है ना वो वहाँ पे आ गई थी क्योंकि डिलीवरी के पहले जो भी प्रोसेस था वो करने के लिए। एंड आफ्टर हाफ एन आवर मेरा बेबी मेरे पास आ गया था और मेरा जो डिलीवरी था वो ना नॉर्मल हुआ था। सो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और मेरा जो डिलीवरी था वो बहुत स्मूथ भी हो गया था। और यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरे हस्बैंड और हम चार लोग रुके थे। बाकी मेरी मदर इन लॉ, मेरे जो देवर और मेरी दीदी जो है, भैया लोग, सब लोग वापस घर चले गए थे क्योंकि हॉस्पिटल में ज़्यादा स्पेस होता नहीं है। एंड यहाँ पे इनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतना छोटा सा बेबी था ना, किसी को भी कैरी करने में बहुत डर लगता, मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग का, मैं डिस्चार्ज हो गई थी तो हम लोग अपने घर को जा रहे थे। तो यहाँ पे मेरी दीदी फिर से मुझसे मिलने आ गई थी, फिर हम लोग यहाँ पे घर जा रहे थे। यहाँ पे मैं, मम्मी और भाभी थी और मैं ना अपने मायके जा रही थी। तो बस यहाँ पे मेरी सिस्टर उतर गई थी क्योंकि इसका घर यहीं पे है। सो हम लोग घर जाते हैं। एंड गाइस, मैंने बहुत कुछ सूट भी नहीं किया हॉस्पिटल में क्योंकि बहुत चीज़ें थी जो, मतलब मैं ओटी में गई तो उसके बाद मुझे कुछ मतलब होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से प्रॉपर सूट तो कर नहीं सकती हूँ और किसी, मतलब और भी बहुत लोग थे थोड़ा सा, बट नहीं किया यार, जो चीज़ें थी थोड़ा बहुत कर लिया जितना मैं से हो सका। और यहाँ पर मैं घर आ गई थी। एंड चलो देखते हैं मेरा वेलकम के लिए लोग क्या किए हैं मेरे मायके वालों ने। समय आ गए थे, मुझे थोड़ा पेन भी हो रहा था ना उतरने में कार से, तो मम्मी मेरे को हेल्प की थी। एंड गाइस फिर क्या, चलो देखते हैं ऊपर चल के, मैं अपने रूम में देखती हूँ कि कैसे लोग डेकोरेशन की, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। एंड गाइस यहाँ पे ना क्या होता है ना कि हमारे साइड ना बेबी को ना न्यू, मतलब कपड़े वगैरह नहीं पहनाते हैं, तो जो भी मतलब कॉटन के कपड़े होते हैं उसी पर आपको मतलब लपेट के रखने होते हैं कुछ दिन तक। तो चलो फिर देखते हैं कैसा रहा डेकोरेशन। Thank you.
तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ एंड आज तो ऐसे सब चले गए। एंड आपको कैसा लगा मेरा रूम का डेकोरेशन, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ये तो बस वेलकम का था, और अभी छठी, जो छठी होता है उसका भी ब्लॉग आएगा, और अभी भी ये सोया। सो ये था आज का ब्लॉग।